एक ना गाड़ी होती है, उस गाड़ी का नाम होता है फरारी। फरारी तो बहुत महंगी होती है। तो उसका नाम होता है ना, तो वो जो गाड़ी होती है ना, फरारी जो गाड़ी होती है, वो ना उसके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है मेहरान और एक का नाम होता है कल्टस। कल्टस कौन सी गाड़ी है? कल्टस भी है, मैं आपको भाई दिखाऊंगी। अच्छा। तो वो ना जो है ना उसके उसके साथ ना दोनों के साथ बड़ा प्यार करती है। उनके बाबा नहीं होते, मतलब उसके हस्बैंड नहीं होते। वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ना बाहर जाना ना खेलने, तो आपने ना रेस नहीं लगानी दूसरों के साथ। तो वो जो मेहरान होती है ना, वो बड़ी तेज होती है। वो कहती है, नहीं बाबा, मैंने जाना है और मैंने ना मैंने खेलना है सारी सबके साथ ना। तो उसकी मामा कहती है, बेटा आपने को मैंने कहा है ना कि आपने नहीं खेलना, तो आपने आप क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और तेज हो जाएगी और रोड पे ना स्लिप हो जाएगी गाड़ी, तो आप ना नीचे गिर जाओगी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपका एक्सीडेंट हो इस तरह करके ना। उसकी मामा बड़ी परेशान होती है ना उसके लिए, क्योंकि वो उनकी बेटी होती है। तो जो कर्टन होती है ना, वो बड़ी समझदार होती है, कहती है, हाँ मामा सही कह रही है, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें मामा की बात माननी चाहिए। कहती है, हाँ मामा की बात मान लेते हैं, लेकिन चलो भाई ना बारिश इंजॉय करके आते हैं। कहती है, अच्छा चलो सही है। वो बारिश इंजॉय करने जाते हैं, करने जाती है भाई। तो भाई ना दूसरी गाड़ियाँ जाती है, मेहरान की दोस्त रहती है। कहती है, और रेस लगाने इसमें तो का मजा आएगा, हम रेस लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम कहती है, नहीं, मैंने नहीं रेस लगानी, मेरी मामा ने मना किया है। कहती है, कौन सी है मामा आपको देख रही है? मामा तो घर है, हम तो मामा से चोरी चुपके जो है ना वो ऐसे कर लेते हैं, हम भी तो अपनी हमारी भी मामा को मना करते हैं। कहती है, नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने बोला है ना मैंने नहीं जाना। वो बड़ा नाना करती है, तो उसकी दोस्त है ना उसको खेच के ना उसकी दोस्त उसको खींच के ना ले जाती है। तो कहती है, रेस ही लगानी है, तो वो रेस लगाती है। तो मेहरान की कोशिश होती है कि मैं जीत जाऊं, क्योंकि जीतने का तो शौक हर किसी को होता है ना, मैं भी, आपको भी शौक है ना, मैं भी। तो मामा कहती है, मैं जीत जाऊं किसी तरीके से। तो वो जनाब जीतने की कोशिश करती है, और इतने में पीछे से आके उसको ग्रोला गाड़ी नहीं, वो उसको इतनी जोर से वो मारती है, जिसको कुछ सामने ठोक टक्कर मारती है, और वो धड़ाम से ऐसे जाके दरख्त के साथ लगती है। तो और ना गाड़ी में से आवाज आना शुरू हो जाती है, पी पी पी। फटाफट जो हो जाती है ना, क्या उसका नाम है, उसकी जो बहन होती है कल्टस, वो जो आगे मामा को बता देती है, मामा उसकी दोस्त है ना उसको जबरदस्ती ले गई है, और उसका नाम एक्सीडेंट हो गया। वो बोगी बोगी जो होती है फरारी, तो उसको जाके कहती है, मैंने आपको मना किया था ना। कहती है, मामा मुझे सांस नहीं आ रहा, मामा मुझे सांस नहीं आ रहा। वो उसको फटाफट मैकेनिक के पास लेके जाती है। तो मैकेनिक कहता है कि इसका ना इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है कि मुझे नहीं समझ आई ये बच कैसे गई है। तो कहती है, मेरी बेटी, मैंने आपको मना किया था ना। कहती है, मामा मैंने उनको बड़ा मना किया था, लेकिन मेरी दोस्त ने बड़ी ज्यादा जिद कर रही थी, मैं क्या करती। तो कहती है, अब आपकी ना एक टायर भी आपका फट गया है, और आगे वाला जो टायर है उसके अंदर पत्थर चले गए हैं, वो भी फट गए हैं, आपकी हेडलाइट सारी टूट गई है, इसके अलावा आपकी गाड़ी का दरवाजा टूट गया है। तो बड़ी ज्यादा वो दिल सब्जी की कहती है, मामा मुझे बड़ी दर्द हो रही है। उसकी मामा कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने आपकी बेटी, आपको मना किया था ना मेरी बेटी कि आपने नहीं जाना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब मुझे बताए मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। कहती है कि ना, अब आप मुझे घर ले जाएं और मुझे जाके ना मजेदार सा पेट्रोल पिलाएं। तो कहती है, मुझे ना पेट्रोल पिलाएं ताकि मैं सही हो। हम लोग तो जब जख्मी होते हैं दूध हल्दी पीते हैं ना, तो गाड़ियां पेट्रोल पीती हैं। तो कहती है,
मुझे ना स्टॉल पे लाना, तो मैं ना वो हो जाऊँ सही हो जाऊँ। तो वो जनाब उसको ना पेट्रोल पिलाती है, कहती है मामा मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। उसकी मामा कहती है थोड़ी देर से हो जाओ। तो फिर वो ना इंजन बंद करके सो जाती है, और साथ ना उसका दिल करता है कि वो सुकून से सोए, लेकिन दर्द की वजह से उसको नींद नहीं आती। फिर वो ना कहती है मामा मुझे दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही। उसकी मामा कहती है अच्छा चलो ना एक दो दिन में आपकी दर्द ऐसी हो जाएगी, फिर आप ठीक हो जाओगी। उसकी दोस्तें आती हैं तो आगे से सोरी कहती हैं कि सोरी मेहमान हमने आपको कहा था रेस लगाए, आपने तो हमें कहा था हमारी माँ मेरी मामा ने मना दी है, लेकिन हमारी वजह से आपकी ये हालत हो गई है तो हम आपसे सॉरी करने आए। कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। फिर वो दो तीन दिन पेट्रोल पीती है, थोड़ा थोड़ा चलती है, फिर पीती है फिर चलती है। तो कुछ दिनों बाद उसके जख्म सही हो जाते हैं और फिर सही हो जाती है। फिर कहती है मामा मैं से ना कभी भी रेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि रेस लगाना वैसे ही अच्छी बात नहीं है, वो किसी भी गाड़ी वाले को ना रेस नहीं लगानी चाहिए। तो कहती है हाँ किसी भी गाड़ी वाले को ना रेस नहीं लगानी चाहिए, कहती है इससे ना एक्सीडेंट का बड़ा ज़्यादा वो होता है। कहती है हाँ मामा ऐसे ही है। फिर उसके बाद वो बिल्कुल सही हो जाती है और वो अपने दोस्तों को कहती है अब हमने कभी भी रेस नहीं लगानी। तो हमें इससे क्या लेसन मिलता है, रेस नहीं लगानी, चाहे आपके पास जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो आपको रेस नहीं लगानी चाहिए, रेस लगाने से आपका एक्सीडेंट हो जाता है। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे ड्राइवर हैं अच्छी गाड़ी है आपके पास, ठीक है यू गॉट इट बेबी यू गॉट इट यस। अब आप बड़ी होगी तो आपके पास बड़ी अच्छी सी गाड़ी होगी ना बेबी। हाँ मैं बड़े हो गए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के ना फरारी खरीदूंगा। अच्छा तो फिर आप उसमें किसको बिठाओगे बेबी? आपको। सारा को। सारा को बिठाऊंगा। और लंबोर्गिनी हाथ दिखाओ इधर कॉन्टैक्ट में।